देख रहे हैं आधार केमिस्ट्री क्लासेस में हूं रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है डिस्टिलेशन। तो ये टॉपिक बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, राइट। तो डिस्टिलेशन का पूरा प्रोसीजर आज हम क्या करते हैं समझने वाले हैं। तो इसके लिए हम डिस्टिलेशन के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं। तो इसके लिए हम कोक से क्या करते हैं, कोल से कोक में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। कोल से क्या करते हैं, कोक में कन्वर्ट करते हैं। किसके माध्यम से करते हैं, तो लो टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन के माध्यम से हम क्या करते हैं, कोल को कोक में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो उसमें हमको क्या करना होता है, अमोनिया पता करना होता है। उसी का हम क्या करते हैं, डिस्टिलेशन के जरिए हम क्या करते हैं, उसको हम पूरा प्रोसीजर से हम टार निकालते हैं। टार के द्वारा ही हम क्या करते हैं, अमोनिया का आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो हम क्या किए हैं, सबसे पहले हमने एलटीसी किए। एलटीसी करने के बाद जो हमारे पास टार आया, टार हमारे पास लगभग कितना रहा होगा, टार मान लो हमारे पास रहा होगा 3 ml, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली हम क्या माने हैं, इसको 3 ml माने हैं, राइट। इसको हम क्या करते हैं, चेंबर में लाते हैं। चेंबर में हमारी इसी प्रकार रहेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, राउंड फ्लास्क बोलते हैं, याद रखिएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, राउंड फ्लास्क बोलते हैं। नीचे से हल्का सा क्या करते हैं, इसको फ्लेम देते हैं। ये बीकर है, बीकर में हमको क्या करना होगा, इसमें मिक्स इंडिकेटर रहेगा और हमारे पास बोरिक एसिड रहेगा। बोरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, H3BO3 होता है, राइट। इसको हम क्या करते हैं, 01 नॉर्मलिटी का बनाते हैं। अब 01 नॉर्मलिटी का कैसे होगा, इसको हम क्या करते हैं, हम इसका टाइट्रेशन के जरिए इनको पता करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका टाइट्रेशन बता देता हूँ ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए, फिर हम आगे इसका क्या करेंगे, फर्दर रिएक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, NO2CO3 में हम क्या करते हैं, इसका टाइग्रेशन करते हैं। किसका करते हैं, तो H3BO3 का हम क्या करते हैं, टाइग्रेशन करते हैं। इससे हमको क्या पता चलता है, ये कितना नॉर्मलिटी का हम बनाए हैं या कितना हमारे पास कंसंट्रेशन इसका है, इसके बारे में हम क्या करते हैं, इसके पता लगाते हैं। तो बोरिक एसिड का हम क्या लेते हैं, 0.1 कंसंट्रेशन हम क्या करते हैं, लेते हैं और देखते हैं, तो ये 40% होता है, ठीक है। इसका हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, इसमें मिक्स इंडिकेटर यूज करते हैं। मिक्स इंडिकेटर क्या रहता है, हमारे पास मिथिलीन ग्रुप और मिथाइल ग्रेड, ये हमारे पास ये क्या रहेगा, बीकर में रहेगा। और यहाँ हम जब टाइग्रेशन करते हैं तो हमारे पास यहाँ क्या रहेगा, मिथाइल ग्रेड रहेगा, याद रखिएगा, मिथाइल ग्रेड। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मिथाइल ग्रेड। जब हम क्या करते हैं, बोरिक एसिड और सोडियम कार्बोनेट का हम जब टाइट्रेशन करते हैं, उस कंडीशन में हमारे पास क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में हमारे पास मिथाइल ग्रेड इंडिकेटर के रूप में हम उसको यूज करेंगे। ये एक एसिड बेस का हमारे पास क्या हो जाएगा, टाइट्रेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। एसिड बेस में हमारे पास जो हमारे पास ब्यूरेट में रहेगा वो क्या रहेगा, बेस रहेगा, और जो हम क्लोरिकल फ्लास्क में लेंगे वो हमारे पास क्या रहेगा, एसिड रहेगा। तो यहाँ पे बोरिक एसिड हमारे पास क्या हो जाएगा, एसिड, और सोडियम कार्बोनेट हमारे पास बेस हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, बोरिक एसिड है, और फिर हमारे पास मिक्स इंडिकेटर। और इस राउंड फ्लास्क में हम क्या करते हैं, फिर 5 ml डीएम वाटर डालते हैं, याद रखिएगा, 5 ml हम क्या करते हैं, डीएम वाटर, और 0.1 नॉर्मलिटी का हम क्या डाले हैं, 120 ml हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या डाले हैं, सैंपल डाले हैं, राइट। तो इतना हमारे पास क्या हो गया, राउंड फ्लास्क हो गया। राउंड फ्लास्क में हम क्या किए हैं, क्या क्या डाले हैं, तो टार जो एलटीसी के द्वारा हमको मिला है, एलटीसी के पूरा प्रोसेस करने के बाद जब हमको टार मिलता है, लगभग कितना मिलता है, तो 3 ml से 5 ml या 2 ml से 5 ml हो सकते हो, इतना मिलता है। हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली कितना माने हैं, 3 ml माने हैं। और राउंड फ्लास्क में हम कितना डालेंगे, राउंड फ्लास्क में 3 ml डाल दिए, फिर डीएम वाटर हम कितना लिए हैं, 5 ml। लगभग ये राउंड फ्लास्क में आपको 1000 ml से कम सैंपल लेना है डीएम वाटर का, तो आप उसमें 500 अप्रोक्सीमेटली डाल सकते हो, राइट। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें NOS डालते हैं 0.1 नॉर्मलिटी का, 120 ml, ठीक, इतना सब सिंपल हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, एक पाइप जैसा दिख रहा है, इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ तक हम डीएम वाटर भर देते हैं ताकि वाशिंग का हम आगे काम आएगा, ठीक। जब इतना हमारे इसमें जब डल गया है, तो हम क्या करते हैं, नीचे से हल्का टेम्परेचर को क्या करते हैं, आग लगाते हैं, ठीक है, आग से उसको क्या करते हैं, टेम्परेचर में उसको मेंटेन करते हैं। और यहाँ पे दो हमारे पास बीकर ब्यूरेट जैसा दिख रहा है, ये डबल नली का है, फोटो में आपको थोड़ा दिख रहा होगा, ये इसमें क्या है, नली के अंदर क्या है, हमारे पास नली है, ट्यूब है, इसी के अंदर हमारे पास क्या आता है, सैंपल आते रहता है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलेंगे, मिक्स जो हमारे पास अमोनिया आएगा, यही आएगा लगभग 300 ml, जब तक नहीं होगा तब तक हम क्या करते हैं, सैंपल एनालिसिस, मतलब इसको आगे चलते रहता है। और दूसरा जो रहेगा इसमें फर्दर क्या रहता है, वाटर का सर्कुलेशन होते रहना चाहिए, जब तक वाटर सर्कुलेशन होगा तब तक क्या रहेगा, टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, अदरवाइज यहाँ पे क्या हो जाएगा, लीक हो जाएगा, जिससे हमको क्या हो जाएगा, सही क्वांटिटी में अमोनिया हमको नहीं मिलेगा, राइट। ये पूरा हम क्या किए हैं, सबसे पहले मशीन को असेंबल किए हैं,
राइट। तो उसके बारे में थोड़ा सा अब बताते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, टार लिए, टार लिए, उसके बाद हम क्या करते हैं, डीएम वाटर डाले, फिर हम अमोनिया डाले हैं, ठीक है, एनओएच डाले, इतना हो गया। उसके बाद हमारे पास ये हो गया, जब ये कंप्लीट जब क्या हो जाएगा, बॉयल होने लगेगा, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, एयर के उसमें चलेगा यहाँ तक, ठीक है। अभी हम इसका कलर देखते हैं, तो कलर हल्का नीला कलर रहेगा, ठीक है, नीला कलर रहेगा, और धीरे 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 ड्रॉप बाई ड्रॉप क्या हो जाएगा, 300 ml तक यहाँ पे इकट्ठा होगा। जब तक 300 ml ना होता है तब तक क्रिया को क्या करना है, दोहराते रहना है, ताकि हमारे पास जो सिंपल आएगा वो अच्छे से हम उस पर टाइट्रेशन कर सके, ठीक है। जब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 300 सिंपल हो गया, इस बीकर में याद रखिएगा, इस बीकर में हमारे पास 500 ml का एक बीकर है, इसमें अगर हमारे पास 300 सिंपल हो गया तब इसको हमको क्या करना है, टाइट्रेशन करना है। ये अभी हमको क्या मिला है, मिक्स नाइट्रोजन, मिक्स अमोनिया मिला है, याद रखिएगा, इसमें अलग अलग और बहुत सारे कंपाउंड है, लेकिन हमको ये मिक्स अमोनिया से हमको प्योर अमोनिया निकालना है, इसको आपको याद रखिएगा, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, टाइट्रेशन करते हैं, टाइट्रेशन हम 0.1 नॉर्मल टी का H2SO4 से हम क्या करते हैं, इसका टाइट्रेशन करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, ये भी एक एसिड बेस्ड टाइट्रेशन का हमारे पास क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन का हमारे पास एग्जाम्पल हो जाएगा। जनरली याद रखिएगा, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में क्या होता है, जो बनने वाला कंपाउंड रहता है वो हमेशा साल्ट होता है, इसको याद रखिएगा। जो भी आप एसिड बेस का रिएक्शन आप कराते हैं, टाइट्रेशन कराते हैं, उसका एग्जाम्पल जो भी रहे, उसका जो फाइनल एंडिंग वैल्यू आता है वो क्या रहेगा, वो रहेगा हमारे पास साल्ट, इसको याद रखिएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, ड्राप बाई ड्राप इसमें ब्यूरेट के माध्यम से क्या करते हैं, इसको रीडिंग टाइट्रेट करते हैं, इसमें एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट को क्या करते हैं, हम नोट करते हैं। नोट करने के बाद हमारे पास एक फार्मूला होता है, N1V1 N2V2 इक्वल टू रहेगा। इस फार्मूला में हम पुट करते हैं, पुट करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आया है उससे हम क्या करते हैं, पुट करते हैं, फिर हमारे पास जो नाइट्रोजन अमोनिया का जो प्योर वैल्यू है वो हमको प्राप्त होगा। इस पूरा प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन प्रोसीजर बोलते हैं। डिस्टिलेशन प्रोसीजर लगभग 3 घंटे का होता है, क्योंकि इसको हमको क्या करना है, धीमी आंच में रखना है, धीमी आंच में रख के हमको क्या करना है, पूरे सिंपल को एक साथ बॉयल करना है, फिर ये धीरे 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 ड्राफ बाई ड्राफ क्या होगा इसमें जाएगा और लगभग 300 ml तक जाएगा, ठीक है, जिसका कलर क्या हो जाएगा, हमारे पास ये नीला कलर है, ठीक है। और ये जब हम टाइट्रेशन करते हैं तो इन पॉइंट हमारे पास हल्का पर्पल कलर आएगा, वही हमारा इन पॉइंट होगा, वहीं से हमको क्या हो जाएगा, उस लीक को जब कैलकुलेट करते हैं तो हमको क्या मिलने वाला है, हमको प्योर अमोनिया मिलने वाला है, राइट। तो आज हम क्या देखे हैं, हम डिस्टिलेशन देखे हैं, बहुत छोटा टॉपिक है बट बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, राइट। ये क्या पूरा प्रोसीजर का, पूरा प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन बोलते हैं, राइट। डिस्टिलेशन में आपको मेन यही सब समझना है, इतना भी आपको पूरा सब क्लियर हो जाएगा, राइट, किसको क्या बोलते हैं, आपको फिर वहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।